तो हे गाइस, कल मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड के बारे में और आज उसी सीरीज में हम बताने जा रहे हैं आपको सिप के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप क्या होती है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करें, क्या वो सही है या नहीं, क्या एक टाइम इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है या सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आई एम श्योर आपके जो सारे डाउट्स होंगे सिप को लेके सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन आती है आप सबके माइंड में, सिप और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है? तो कंपेरेबल ही नहीं है दोनों चीज़ें। म्यूचुअल फंड क्या है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, और सिप क्या है, उसमें इन्वेस्ट करने का तरीका है। तो म्यूचुअल फंड और सिप दोनों एकदम ही एकदम अलग है। उसके बाद बात आती है कि आप सोचते होंगे कि सिप है क्या। सिप क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी मंथली, क्वार्टरली, वीकली, चाहे जिस फ्रिक्वेंसी पे इन्वेस्ट करें आप, तो आप क्या करें, एक सिस्टमैटिक वे से इन्वेस्ट करें कि हर मंथली मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, हर वीकली मैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी। तो इसी को नाम दिया है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब अगली बात, क्वेश्चन आपके माइंड में आती है कि बेनिफिट क्या है सिप में इन्वेस्टमेंट करके। एक तो क्या है कि आपके वॉलेट पे बहुत हल्का असर पड़ता है, लाइक आप 2,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो धीरे धीरे एक महीने बाद आपके 2,000 रुपये जा रहे हैं, तो आपको इतना पता भी नहीं लगेगा। दूसरी क्या है, जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का टाइमिंग है उसके लिए इरेलेवेंट हो जाते हैं। आप कह रहे हैं ना कि एक साल बाद मार्केट ऊपर हो जाएगी या एक साल बाद मार्केट नीचे हो जाएगी, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आपका हर मंथली इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आपको ऊपर नीचे मार्केट जाए तो पता ही कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक साल तक 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो साल के एंड तक आपके 24,000 इन्वेस्ट हो गए, तो अगले साल जो 24,000 रुपये जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी मिलेगा आपको रिटर्न। उसके बाद जो अगले साल है, जो 24,000 इस साल के, 24,000 अगले साल के, उस पर भी रिटर्न मिलेगा। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और अब आती है मेन बात कि आपको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए या एक साथ पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जिस मुद्दे पे मैंने ये वीडियो बनाई थी वो यही है कि सिर्फ बेनिफिशियल है या लमसम एक टाइम में इन्वेस्ट कर दे वो बेनिफिशियल रहेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो इन्वेस्टर हैं, दोनों के पास 60,000 रुपये हैं, पर एक इन्वेस्टर क्या करता है कि एक साथ सारे इन्वेस्टमेंट कर देता है। जो एक बार इन्वेस्टमेंट करता है वो, एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जो कॉस्ट है प्राइस है यूनिट का, एक म्यूचुअल फंड की यूनिट का, वो है 20 रुपये। तो 60,000 रुपये जिसने एक टाइम में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको कितने मिले यूनिट्स, 3,000। मतलब 3,000 × 20, 60,000 रुपये उसके पास थे, तो 60,000 में उसे 20 रुपये के हिसाब से 3,000 यूनिट मिल गई। तो पर दूसरा बंदा था, उसने क्या करा, सिप ली, उसने क्या 10,000 रुपये 6 महीने तक इन्वेस्ट किया। तो पहले जो महीने में जो रेट था वो था 20 रुपये, अगले महीने तो रेट गिर गया, 16 रुपये हो गया, उससे अगले महीने 14 रुपये हो गया, फिर एकदम बढ़ गया, 26 रुपये हो गया, और फिर थोड़ा सा कम हुआ, 25 रुपये हो गया, फिर 21 रुपये हुआ। तो फ्लक्चुएट होती रही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, और क्या हुआ, वो हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता गया, तो उसका भी 6 महीने बाद कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, 60,000 रुपये। बट जो पहले महीने था उसे 20 रुपये के हिसाब से मिला, तो 10,000 रुपये में उसे मिले 500 यूनिट। अगले बार हुआ 16 रुपये रेट हो गया, तो उस हिसाब से उसे 625 यूनिट मिले। तो आप देख रहे हैं ना, प्राइस कम हो रही है तो यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है तो यूनिट कम मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से जो साल के एंड में उसे कितने यूनिट्स मिले, 3150 यूनिट। मतलब साफ है, उसी 60,000 रुपये में एक बंदे को मिले 3,000 यूनिट और दूसरे बंदे को मिले 3150 यूनिट। प्लस दूसरा जो 60,000 रुपये वाला बंदा था, उसके क्या सेविंग बैंक अकाउंट में वो पैसे पड़े रहे जितने पीरियड तक उसने सिप में नहीं डाले, तो उससे भी उसको रिटर्न आते रहे। और इफ जनवरी में जिस यूनिट की वैल्यू 20 रुपये थी, कम बढ़ती करते करते उसकी जुलाई में जो वैल्यू हुई 22 रुपये हो गई, तो जो जिसने लमसम इन्वेस्ट किए थे जो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई 66,000 रुपये, बट जिसने सिप के थ्रू इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू होगी 69,300 रुपीज़। तो इस हिसाब से क्या हुआ, सिप बेनिफिशियल रहा लमसम से। अब आप कहेंगे, अगर वैल्यू, ये तो कम ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, अगर वैल्यू बढ़ती जाए तो किसको फ़ायदा होगा, तो ऑब्वियसली लमसम वाले को फ़ायदा होगा। बट ये जो चांसेस है, ये आज से अगर 15 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया हो, 10 साल पहले इन्वेस्ट किया हो, उसके लिए बहुत था, क्योंकि आज से जिसने 15 साल पहले इन्वेस्ट किया हो या 10 साल पहले इन्वेस्ट किया, उसमें डैम श्योर लमसम वाले को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बट पिछले 3 या 2 सालों में क्या हुआ कि मार्केट फ्लक्चुएट ज़्यादा करी है, तो जिससे सिप वालों को ज़्यादा फायदा हुआ है। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो सिप इज द क्लियर विनर अगेंस्ट लमसम। मेरी तो एडवाइस रहेगी न्यू कमर्स के लिए कि सिप में ही इन्वेस्ट करें, ताकि उन्हें ये मार्केट के अप डाउन की टेंशन से दूर ही रहे। ब्रॉडली जो डिफरेंसेस है सिप और लमसम में,
कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के फायदेमंद क्या है सिप, लॉन्ग जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए लमसम कोई फायदा नहीं है। डिसिप्लिन आती है सिप में कि हर महीने इन्वेस्टमेंट हो रही है, और लमसम में ये डिसिप्लिन नहीं आती है। मार्केट के जो अप डाउन के इफेक्ट है वो सिप पे असर नहीं डाल पाते, बल्कि लमसम इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा असर डाल पाते हैं मार्केट के अप डाउन। और सिप में क्या है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कब पैसे डाले जब मार्केट गिरी हो या ऊंची हो, बट लमसम में आपको ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट में पैसे तब डालूं जब मार्केट में रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा हो। तो मेरी एडवाइस रहेगी आज के सिनेरियो में कि सिप में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा फायदेमंद है अगेंस्ट लमसम। और जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, उनके लिए तो सिप ही सबसे बेस्ट है। और आप अगर सिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी ईटी मनी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए ईटी मनी ही यूज करता हूँ। इसका बेनिफिट एक तो ब्रांड अच्छा टाइम्स ग्रुप का है, प्लस ये क्या करता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट कराने में हेल्प करता है। दो तरह के होते हैं ना म्यूचुअल फंड, एक डायरेक्ट और एक रेगुलर, जिसकी डिफरेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं ना सिप में इन्वेस्टमेंट, तो क्या होता है उस जो एजेंट की कमीशन आती है ना वो आपकी रिटर्न में से कटता है, यानी वो रेगुलर प्लान आपको दिलाता है, और जो उसकी एजेंट की कमीशन होती है वो आपके जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है उस पर इफेक्ट डालती है। बट डायरेक्ट प्लान में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट प्लान में कोई पैसा आपका नहीं करता। तो ईटी मनी आपको हेल्प करती है डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने में। मैं पर्सनली इनकी सर्विसेज से खुश हूँ। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं ईटी मनी ऐप, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा रेफरल लिंक है जिससे आपको फ्री अकाउंट मिलेगा और वो भी लाइफ टाइम। तो डाउनलोड कीजिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है आज की डेट में। तो वेट कीजिए अगली वीडियो का। और अगर आप इस टॉपिक पे और भी वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे बिना ना जाइएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मिले। इस वीडियो में इतना ही था, मैं आप मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।